मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के बीच यहां ब्रिज बनेगा, जो गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज होगा, जिसे बनाने का फैसला लिया गया है और ये ब्रिज 42 महीने में बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, इसे बनाने में 3064 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुल के नीचे से बड़े जहाज भी आसानी से आ जा सकेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसकी तस्दीक मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने की है अपने बयान के जरिए। बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के बीच एक बड़ा केबल ब्रिज बनने जा रहा है। गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया है, जो 42 महीने में पूरा होगा। ब्रिज बनाने का काम और इसे बनाने में 3064 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुल के नीचे से बड़े जहाज भी आसानी से जा सकेंगे। दीघा से सोनपुर जिले के गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा और 3064 करोड़ रुपया इसके ऊपर, 3064 करोड़ रुपया दीघा से सोनपुर के बीच बनने वाले 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी के ऊपर बनेगा, ये 6 लेन केबल ब्रिज है, इसके निर्माण के लिए मंजूर किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी पुल के नीचे से आसानी से आ जा सकेंगे और जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, उस पर चलने वाले जहाजों की नेविगेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय किया गया है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी निकले, ताकि वाटरवेज, जिसको बल मोदी सरकार ने आकर दिया है,